नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जीएसटी में डिस्कस करने के लिए, जो कि एक सर्कुलर है 8 जून 2018 को इशूड है। दोस्तों, इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। दोस्तों, इस सर्कुलर में डिपार्टमेंट ने 5 बातें क्लैरिफाई की हैं। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला सवाल जो डिपार्टमेंट ने पूछा और उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है OEM, जो कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को CM को डाइज एंड माउल्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करता है, तो उस केस में 3 सवाल फ्रेम किए और उनका जवाब दिया। पहला सवाल कि क्या वो सप्लाई ऑफ डाइज एंड माउल्ड्स फ्रॉम OEM टू CM क्या टैक्सेबल होगा। दूसरा सवाल, क्या उन डाइज एंड माउल्ड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट OEM को अवेलेबल होगा। तीसरा सवाल, क्या उन डाइज एंड माउल्ड्स की वैल्यू शैल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय CM टू OEM, मतलब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने जो सप्लाई करनी है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, इन माउल्ड्स एंड डाइज की वैल्यू क्या उसमें जुड़ेगी। एक एक करके इन 3 सवालों के जवाब समझते हैं जो हमें इस सर्कुलर में दिए गए। पहला सवाल कि क्या वो GST लगेगा उसके ऊपर, उस सप्लाई के ऊपर, तो उन्होंने कहा भी देखिए ये तो सप्लाई नहीं है। सप्लाई क्यों नहीं है, क्योंकि देयर इज नो कंसीडरेशन। हमने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट OEM ने CM को ट्रांसफर किए फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, तो देयर इज नो सप्लाई। पहला सवाल जवाब हो गया। दूसरा सवाल, क्या इस डाइज एंड माउल्ड्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होगी OEM को, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल होगी, क्योंकि दिस इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दिस इज बीन बॉट एंड यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तीसरा सवाल, अब इस तीसरे सवाल के लिए हमें यह समझना जरूरी है इसके जवाब के लिए कि OEM और CM के बीच में एग्रीमेंट क्या है। सेक्शन 15 का रेफरेंस मैं आपको देना चाहूंगा, जो कि यहां पर सर्कुलर में भी दिया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी काम, कोई भी खर्चा जो कि एक्चुअली सप्लायर की जिम्मेदारी थी और उसको रेसिपिएंट ने इनकर कर दिया, तो उसकी वैल्यू को वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में स्पेसिफिकली सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में जोड़ा जाएगा। आपके लिए समझ आ गई बात, ये सेक्शन 15 की कहानी। अब कॉन्ट्रैक्ट ये है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि OEM CM को माउल्ड एंड डाइज सप्लाई करेगा फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स, देन तो जो CM ने जो वैल्यू OEM को टैक्सेबल सप्लाई की चार्ज करनी है, उसमें इस डाइज एंड माउल्ड्स की वैल्यू नहीं जुड़ेगी, क्योंकि दिस वॉज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट, बिकॉज इट वॉज द ऑब्लिगेशन ऑफ द रेसिपिएंट ओनली विच वॉज बीन इनकर्ड बाय हिम। अगर कॉन्ट्रैक्ट उल्टा हो कि जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर CM है, उसने माउल्ड एंड डाइज बनाने और करवाने हैं, उस पर मैन्युफैक्चर करने हैं, लेकिन वो काम कर दिया OEM ने और OEM ने उसको FOC वहां भेज दिया, देन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू ऑफ माउल्ड एंड डाइज होगी वो उसकी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू में इक्वली अमोर्टाइज्ड हो जाएगी, ये सर्कुलर ये बताता है। अगला सवाल दोस्तों कार रिपेयर के ऊपर है। दोस्तों, कार में हम जानते हैं कि व्हीकल का क्रेडिट सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है, उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता, लेकिन इसके ऊपर जो रिपेयर है, एक FAQ आया दिसंबर 2017 में, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कार एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का खर्चे पे ऊपर जो ITC है वो हमें मिलेगा दोस्तों। लेकिन यहां जो सवाल है वो डिफरेंट है, वो कह रहे जी कार रिपेयर पे जब हम इन्वॉइस देखते हैं तो उस पर गुड्स भी लिखे होते हैं और सर्विसेज भी लिखी होती है। ऑफकोर्स कार रिपेयर हो रही है तो कुछ गुड्स भी सप्लाई हो रहे हैं और ऑफकोर्स लेबर भी सप्लाई हो रही है, सर्विसेज भी सप्लाई हो रही है, तो रेट क्या लगेगा GST का। तो उन्होंने कहा भी देखिए अगर इनवॉइस पर गुड्स अलग लिखे हैं और सर्विसेज अलग लिखी है तो जो जो रिस्पेक्टिव गुड्स का रेट है और जो रिस्पेक्टिव सर्विसेज का रेट है वो रेट लगा दीजिए। दिस इज अगेन क्लेरिफिकेटरी इन नेचर। अगला सवाल उन्होंने पूछा, बताया कि यहां पर दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टी कॉफी एंड रबर, उसकी ऑक्शन के ऊपर, ऑक्शन से रिलेटेड बट इट इज मोर रिलेटेड विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस। देखिए इस सवाल से To my mind, inferences can be drawn for other activities also. It is merely mentioned auction of tea, rubber and tea, coffee and rubber. But inference from this particular reply can be used in other industries also. Now question is, कि भाई auction होती है tea, rubber and coffee की,
तो वो डिस्टेंट प्लेसेस पे, रिमोट प्लेसेस पे, बहुत सारे प्लेसेस पे होती है, और जो जब ऑक्शन होती है तो प्रिंसिपल या ऑक्शनर जो गुड्स खरीदते हैं, टी कॉफी रबर खरीदते हैं, वहीं वेयर हाउस पर स्टोर कर लेते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उन वेयर हाउसेस का क्या करना है? तो पहले सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया कि जो वेयर हाउसेज हैं इनको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना है प्रिंसिपल और ऑक्शनर में, ऑक्शनर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, और ये एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो इनसे रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उससे रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन होंगे। लेकिन यहां पर एक रिलीफ दी गई, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन कर लें, लेकिन बशर्ते कि आप इसकी इंटीमेशन प्रिंसिपल एंड ऑक्शनर बोथ अपने ज्यूरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को राइटिंग में इंटीमेट करेंगे। तो मेरी समझ में ये इन्फ्रेंस जो है और भी जगह अप्लाई हो सकता है कि एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस पे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन हो रहे हैं। अगला सवाल उन्होंने पूछा कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, टी कॉफी एंड रबर इन इट्स नेचुरल स्टेट, टी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट कॉफी एग्जेम्प्ट, रबर टैक्सेबल एट 5%। लेकिन इसके इनपुट के कौन से इनपुट की वो बात कर रहे हैं, इट इज नॉट बीन क्लेरिफाइड। उन्होंने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज मिलेगा, लेकिन बशर्ते कि आप अदरवाइज बाकी शर्तों को पूरा करते हो। पर से टी कॉफी एग्जेम्प्ट है, रबर 5% पे है, तो क्रेडिट ऑफकोर्स आपको उसी हिसाब से सेक्शन 16, 17 और 18 के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। दोस्तों अगला सवाल उन्होंने पूछा कि जो अब ये तीन अगले जो सवाल है वो ईवे बिल के ऊपर रिलेटेड है। दोस्तों ईवे बिल से, ईवे बिल में पहला उन्होंने सवाल पूछा कि बताइए अगर रेलवे से गुड्स जा रहे हैं तो क्या ईवे बिल की जरूरत है। रूल 138 बड़ा एम्पली क्लियर करता है कि भाई रेल से, एयर से, वेसल से गुड्स जा रहे हैं तो आपने ईवे बिल बनाना है। लेकिन उसमें एक प्रोविजो लिख दिया उन्होंने, कहा कि अगर रेल से बिल जा रहे हैं तो आप रेलवे इंश्योर करेगा कि डिलीवरी देने से पहले ईवे बिल रिसीव करे। तो इसी बात को क्लेरिफाई किया कि अगर रेल से गुड्स जा रहे हैं तो रेलवे से गुड्स जाने के बाद डिलीवरी बिना ईवे बिल के नहीं मिलेगी। पहला ईवे बिल से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा ईवे बिल से रिलेटेड क्वेश्चन विच इज अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग माय डियर फ्रेंड्स, सवाल ये है कि अगर गुड्स जो है मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस इन ए स्टेट टू अनदर प्लेस इन द सेम स्टेट, बट दोज गुड्स आर मूविंग एंड ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन अनदर स्टेट, मतलब हरियाणा से गुड्स हरियाणा में ही जा रहे हैं लेकिन दिल्ली से गुजर कर अगर वो ट्रांजिट हो रहे हैं एक दूसरे स्टेट से, लेकिन एक ही स्टेट के एक जगह से उसी स्टेट की दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो क्या ईवे बिल की जरूरत होगी। अगर हम पर से समझें तो ये तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, और अगर रिस्पेक्टिवली उस स्टेट में इंट्रा स्टेट मूवमेंट की गुड एप्लीकेबिलिटी 50,000 या लाख रुपए से गुड्स, जहां भी जो भी लिमिट है उससे कम के गुड्स हैं तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स में ईवे बिल की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्लेरिफाई किया कि ईवे बिल की रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों वो है नॉट ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई बट इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, और यहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स इंटरस्टेट हो रही है। दे आर गुड्स आर टचिंग द अनदर स्टेट, दे आर मूविंग फ्रॉम अनदर स्टेट, देन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। आखिरी सवाल इसमें जो उन्होंने पूछा वो पूछा कि अगर डीटीए से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से एससीजेड में गुड्स जा रहे हैं सेम स्टेट में, और एससीजेड से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में गुड्स जा रहे हैं सेम स्टेट में, तो क्या ईवे बिल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ईवे बिल की जरूरत नहीं है बशर्ते ये एरिया नोटिफाइड हो रूल 138 सब रूल 14 क्लॉज डी में, जहां पर ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एरियाज को नोटिफाई करेगी जहां पर ईवे बिल की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये है पूरा सर्कुलर नंबर 47 जो 8 जून 2018 को इशू हुआ। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।